लैपटॉप के लिए तीन चीज पे कंसर्न हो सकते हो। पहला, कि आपको अगर कनाडा से लेना है तो इस वीडियो को अभी क्विट कर दो। सेकंड, कनाडा से ले या इंडिया से ले, कंफ्यूज्ड हो जरूर देखो। थर्ड, अगर इंडिया से लेना है तो प्लीज देखो, काफी सारे टर्म्स है, जरूर समझ आएगा आपको। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस डूइंग प्रीटी वेल। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको लैपटॉप इंडिया से लाना चाहिए या कनाडा से लाना चाहिए। लैपटॉप जो कि सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि लैपटॉप पे ही सारी पढ़ाई होने वाली है। असाइनमेंट्स, सबमिशंस, टीचर से बातचीत, फीस पे करना, सभी कुछ लैपटॉप पे ही होता है। तो आपको लैपटॉप ज़रूर होने ही वाली है, चाहे आप कोई सी भी फील्ड में हो। आप अगर मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आर्ट की फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में आपको लैपटॉप तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। तो हो गया कि लैपटॉप तो लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि लैपटॉप आपको इंडिया से लेना है या कनाडा से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया के पूरे बेनिफिट्स या उसके डिसएडवांटेजेस, पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया से अगर आप लैपटॉप लाना चाहते हो तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग लैपटॉप है घर पे, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है आप लाना चाहते हो तो ज़रूर लेकर आओ। डिपेंड करता है आपको क्या क्या सामान आपकी बैकपैक में लेकर आना है। अगर आपको पता है आपको ऐसा सामान नहीं लाना है एंड सिर्फ लैपटॉप लाना है आपकी बैकपैक में, तो डेफिनेटली वो लैपटॉप रख लो इनिशियल डेज के लिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको काम आ जाएगा जब तक आप नया लैपटॉप यहाँ का परचेस नहीं करते, तो वो लैपटॉप आपको थोड़े दिन के लिए सपोर्ट करेगा। बाकी अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे भी आपकी नीड बढ़ती जाए उस हिसाब से आप लैपटॉप ले सकते हो। दूसरी जो बात है कि लैपटॉप जो भी इंडिया में अगर आप नया लेना चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ लैपटॉप इंडिया से नया मत लो। उसका रीज़न है यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का कनेक्टर, सब कुछ पावर वगैरह बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसकी वजह से अगर आप लैपटॉप यहाँ पर लाओगे तो हो सकता है वो चले ही नहीं, अगर चले तो हो सकता है चार्जिंग पोर्ट ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गारंटी नहीं है। इसीलिए नया लैपटॉप परचेज मत करना, एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसको लेकर आओ, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आप नया परचेस करोगे उसकी वारंटी वगैरह सब कुछ इंडिया तक सीमित रहेगी, वो सब की प्रॉब्लम हो सकती है, सारी पॉलिसीज जो भी उसमें कवर होती है वो लैपटॉप की वो इंडिया तक रहेगी। नेक्स्ट जो है कि प्राइजिंग रेंज, जो भी प्राइजिंग है वो तो पक्का यार कैनेडा में सबसे अच्छा प्राइस और बेस्ट प्राइस आपको चीपेस्ट मिल जाएगा। इंडिया में जो भी लैपटॉप आते हैं वो वी ऑल नो दैट वो महंगे होते हैं कंपेयर टू यहाँ। आपको सबको पता ही होगा कि फॉरेन से कोई भी फ्रेंड आता है या लोग दुबई से परचेस करते हैं या किसी फॉरेन से लोग आते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ज़रूर मंगवाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, 10-15 हज़ार तक का भी फ़र्क पड़ता है फॉरेन से इंडिया लाने में। इसीलिए सजेस्टेड है कि लैपटॉप इंडिया से लेकर मत आओ। अब हम बात करते हैं कि कैनेडा आकर आपको क्यों लैपटॉप लेना चाहिए। कैनेडा में आपको लैपटॉप लेने के लिए इनटेक का कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर स्पेसिफिक दो इनटेक है आपके कि सितंबर एंड जनवरी इनटेक है आपका, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। सितंबर इनटेक में अगर आप आ रहे हो तो ओपन स्कूल ऑफर चल रहा होता है कि स्कूल्स लाइक बैक टू स्कूल ऑफर चल रही होती हैं, कोई ना कोई ऑफर चल रही होती हैं, क्योंकि लोग समर के बाद वापस अपना ब्रेक के बाद कॉलेज या स्कूल स्टार्ट कर रहे होते हैं। उसी वजह से सारी कंपनीज बेस्ट बाय, अमेजोन, वॉलमार्ट, आपको हर जगह डील्स मिल जाएंगी। तो उस वजह से लैपटॉप सेप्टेम्बर इनटेक में आने की वजह से आप परचेस कर सकते हो नया का नया लैपटॉप। दूसरा जो है कि जनवरी इनटेक के पहले पहले रहता है दिसंबर। दिसंबर के अंदर होता है बॉक्सिंग वीक एंड ब्लैक फ्राइडे की सेल, उसी सेल को कंटिन्यू किया जाता है जनवरी के मिड या जनवरी के एंड तक, जिसमें काफ़ी सारे लैपटॉप जो बच गए होते हैं वो मिल जाते हैं आपको। तो आपको छोटी सी रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ी बहुत नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको अच्छा खासा लैपटॉप मिल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स कुछ भी हो चलेगा। तीसरा जो है कि मेन इंटेक में कोई ऑफर्स नहीं होती, लेकिन वो बात है कि आपको लैपटॉप लेना है तो प्लीज़ यहाँ कर ही लेना। अगर मेन इंटेक में भी आ रहे हो तो कोई ना कोई ऑफर आपको, छोटी मोटी ऑफर तो मिल जाएगी, क्योंकि मेन जो हमारा बेनिफिट है वो इन सब चीज़ों का है कि वारंटी यहाँ की हो,
पावर वोल्टेज यहाँ का हो, ये लाइक चार्जर कनेक्टर सब कुछ यहाँ का हो, लैपटॉप यहाँ का हो, तो कुछ भी वारंटी या जो भी सर्विसिंग है पूरी यहाँ की हो तो आप इजीली करवा सकते हो। इसी वजह से कोई भी इंटेक चलेगा डिपेंडिंग ऑन आपका सिचुएशन। अब मेरे सिचुएशन की अगर बात करें तो मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, हमारे घर पे सिर्फ एक ही लैपटॉप था एंड एक डेस्कटॉप था। तो एक लैपटॉप था जो कि मेरे फादर और मेरे भाई यूज़ करते थे, तो वो मैं नहीं ला सका। तो मेरा प्लान पूरा फिक्स्ड था कि मेरी 2000 की जो भी GIC आएगी उससे मैं अपना मैकबुक लेने वाला हूँ। मैकबुक प्रो है मेरे पास, इट्स 13 इंच, जो कि मैंने लिया था अपने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स के लिए, एंड इट वॉज नेसेसरी। अगर मैं मैकबुक ना लूँ तो हमारी इंडस्ट्री आगे की है, जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो मेनली विंडोज़ पे बेस्ड नहीं है, बाकी मैकबुक पे बेस्ड है पूरा, इसलिए मुझे मैकबुक लेना पड़ा। तो मैंने पूरा सोच के रखा था प्लानिंग के साथ कि $2000 जो पूरे GIC के आएंगे वो लैपटॉप में जाने वाले हैं, एंड साथ में मैं $1500 लेकर आया था जो कि फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में। तो $1500 मैंने उस चीज़ के लिए खर्चा किया एंड 2000 था वो डन फॉर दैट। आपका कुछ प्लानिंग अगर ऐसा है कि आपको मैकबुक तो लेना ही नहीं होगा अगर आप आर्ट फील्ड में नहीं आ रहे हो, तो आपको चाहिएगा विंडोज़ का लैपटॉप। विंडोज़ का लैपटॉप आप मान लो कि बेस्ट में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, सारी एसेसरी, सारे ग्राफिक्स, एकदम तगड़ी रैम जो भी हो, एकदम प्रॉपर वाला लैपटॉप। 1200 टू 1500 तक का बेस्ट लैपटॉप आता है, एकदम वर्ल्ड बेस्ट जो ग्राफिक्स वाला पूरा, जिसमें बेस्ट गेमिंग हो पाती है। ज़्यादातर तो लोगों के कोर्सेज के लिए सिर्फ MS वर्ड यूज़ होता है, जिसमें वो लोग अपने असाइनमेंट शीट्स और PDF सबमिट करते हैं, बस इतनी चीज़ें उनके लिए यूज़फुल होती हैं। बाकी आपके ऊपर है आप कैसा लैपटॉप लेना चाहते हो। तो MS वर्ड और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करने के लिए आपको चाहिए रहेगा सिर्फ और सिर्फ $500 का लैपटॉप। उसमें सब कुछ हो जाएगा, आपके असाइनमेंट्स इजीली सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपको शौक़ है कुछ ना कुछ गेमिंग वगैरह करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ बड़ा करना है, तो 800 टू 900 तक मिल जाएगा, एंड उससे भी आगे जाना है तो 1200 की रेंज तो है ही। इसलिए चीपेस्ट टू चीपेस्ट लैपटॉप भी बेस्ट होता है आपके सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए, $500 में मिल जाएगा। सो या इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, सी यू द नेक्स्ट वन। एंड इस चीज़ के ऊपर एक अपडेट है कि $2000 का एप्पल का लैपटॉप लेने के ऊपर मुझे मिला था $400 का बीट्स का हेडफोन उसके ऊपर, 2000 प्लस $400 के बीट्स के हेडफोन, जो कि ज़बरदस्त डील थी उस टाइम। तो सितंबर एंड जनवरी वालों के लिए बहुत ज़्यादा डील्स ऐसी मिल सकती है। 1+1 चीज़ है, एक चीज़ लो उसके ऊपर एक बड़ी चीज़ फ्री हो जाएगी, क्योंकि दोनों कंपनीज की कोलैबोरेशन सेल चल रही होती है। सो यार।